आदाब नाजरीन, सुबह 6 बजे की खबरों के साथ मैं हूँ रेशमा फारूकी। आज से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो रहा है जो 11 फरवरी तक चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट के बजट इजलास में तमाम उमूर पर बहस के लिए तैयार है। आज शुरू होने वाली बजट इजलास के मौके पर तलब की गई कुल जमाती मीटिंग से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। वज़ीर आज़म ने उन मशवरों का भी खैर मकदम किया जिनमें कहा गया था कि इस इजलास में मुल्क में इक्तसादी सूरत हाल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग तलब की और पार्लियामेंट की खुश उसलूब कार्रवाई के लिए तमाम सियासी जमातों से हिमायत की अपील की। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू आज एक कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद करेंगे। हुकूमत के जरिए तलब की गई कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामान उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी और कांग्रेस TMC समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। वज़ीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के नज़दीक मुजाहिरीन पर गोली चलाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अमित शाह ने कहा कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के खसूसी कमिश्नर प्रवीर रंजन करेंगे। वज़ीर दाखला ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस तरह के वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में सभी पार्टियों की इंतखाबी तशहीर तेज हो गई है। मरकजी वजीर दाखला और BJP के साबिक सदर अमित शाह ने जुमेरात के रोज दिल्ली के कई इलाकों में रैलियां की। अमित शाह की पहली रैली दिल्ली के छतरपुर असेंबली हलके में थी जहां उन्होंने केजरीवाल हुकूमत पर जमकर तनकीद की और झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि इंतखाब में एक जानब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाले वजीर आजम मोदी हैं तो दूसरी जानब शाहीन बाग की हिमायत करने वाले लोग हैं। वहीं BJP सदर JP नड्डा ने दिल्ली के नागलोई इलाके में रैली करके वोट मांगे। नड्डा ने केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। आसाम समेत शुमाल मशरकी रियासतों के लिए कल का दिन तारीखी रहा। गुवाहाटी के GMC ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के तमाम ग्रुपों के साथ कैडर्स ने असलाह के साथ खुद सुपुर्दगी की है। तकरीबन 1500 से जायद कैडर्स ने आसाम हुकूमत और पुलिस के सामने असलाह के साथ खुद सुपुर्दगी की और अहद किया कि वो आसाम में समाज के मरकजी धारे में शामिल होकर तरक्की की राह में शराकत दार बनेंगे। इस मौके पर वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने खुशी का इजहार किया और कहा कि बोडो कैडर्स का ये फैसला आसाम की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दरअसल आसाम में तवील मुद्दत से अलहदा बोडोलैंड का मुतालबा करने वाले हाल ही में 4 ग्रुपों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का फैसला किया और 27 जनवरी को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम हुकूमत के साथ NDFB ने मुआहदा किया। बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में असलहे के साथ खुद सुपुर्दगी के बाद आसाम में क़याम अमन की उम्मीदों को नई क़ुव्वत मिली है। और फरुखाबाद ज़िले के मोहम्मदाबाद में वाक़े कथरिया गांव में बच्चों को यरगमाल बनाने वाले सुभाष बाथम को UP पुलिस और ATS की टीम ने देर शब मार गिराया और सभी बच्चों को बाहिफाजत घर से निकाल लिया गया। उमूर दाखला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने बताया कि सभी बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है और बच्चों को यरगमाल बनाने वाले को हलाक कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि जुमेरात की शाम को एक शख्स ने सालगिरह मनाने के बहाने तकरीबन 23 बच्चों को अपने घर में बुलाकर यरगमाल बना लिया था। इस मामले पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला पुलिस हुक्काम के साथ मीटिंग के बाद उन्हें जाए वकूफ पर रहने की हिदायत दी थी। जम्मू कश्मीर के LGGC मुर्मू की सदारत में इंतजामी कौंसिल की मीटिंग हुई जिसमें मौजूदा म्यूनिसिपल कौंसिलों के अलावा 30,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी म्यूनिसिपल कमेटियों को 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक म्यूनिसिपल कौंसिल बनाने की मंजूरी दी गई है। सिटी कौंसिलों में जिनको शामिल किया गया है उनमें कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, बडगाम, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, रियासी, डोडा, सांबा, किश्तवाड़, रामबन और राजौरी शामिल हैं। यानी 30,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी म्यूनिसिपल कमेटियों को अब म्यूनिसिपल कौंसिल बना दिया गया है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।